डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, एक्सरसाइज 37 चैप्टर सिक्स का है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं और इसको सिंपलीफाई करना है। तो आइए मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लेते हैं। यहाँ से दिया हुआ है क्या, 7/22 और डिवाइड 3 एंड 1/2, तो ये क्या हो जाएगा। इसको जस्ट 7/22 रख लेते हैं और यहाँ पे 3 2 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7/2 हो रहा है, तो 2/7 हो जाएगा। 2/7 ये तो कट गया, 7 1 7 और ये भी कट गया 11 बार में, तो बचा क्या, सिर्फ 11 बचा, ऊपर में 1 बच जाएगा, 1 ऊपर से नहीं जाता है, वो रहता ही है, तो 1/11 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर लेते हैं। 8 तो यहाँ पे दिया हुआ है 5/9 डिवाइड 1 एंड 1/3, कितना हो जाएगा, 5/9 तो रहेगा ही, 5/9 और ये 3 1 3 और 1 4, 4/3 हो गया, तो 4/3 मतलब 3/4 हो जाएगा, 4/3 3/4 हो गया और ये कट रहा है 3 3 9, तो और कटने वाला नहीं है, तो 5/12 हो जाएगा इसका आंसर, 5/12 नीचे में बड़ा है तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 यहाँ पे दिया हुआ है 9/4 एंड 1/2, तो हम 9 को लिख लेते हैं 9/1, बनाने में सुविधा हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई देते हैं, 4 2 8 हो गया और 9/2 तो 2/9 ये हो गया, कट गया ये, 9 1 9 तो बचा क्या, 2 2/1, तो 2/1 को हम 2 ही लिखते हैं, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 10 नंबर, तो 10 में क्या दिया हुआ है, 10 यहाँ पे दिया हुआ है 6/1 एंड 1/5, यहाँ पे हम 6 को 6/1 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई देते हैं और 5 1 5 हो गया 6 6/5, तो 5/6, 5/6 तो ये 6 कट गया, तो बचा क्या, ओनली 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, ये हो गया। 11 नंबर ले लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, 4 और ये 4 एंड 1/2 डिवाइड 5/4, इसको हमको उलटना है, इसको सेम रखना है, कितना हो गया, 4 2 8 9, 9/2 एंड 9/2 इंटू 5/4 को 4/5 करते हैं और यहाँ पे ये कट रहा है 2 2 4 कट गया, इससे ज़्यादा कटने वाला नहीं है, नीचे में 5 प्राइम नंबर है, तो 9 2 18 हो गया, 9 2 18/5 तो नीचे में छोटा है, ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, तो 5 3 15 हुआ, कितना हुआ, 5 3 15 और इसमें से 15 निकल गया, तो कितना बच गया, 3 बच गया, तो यहाँ पे 3 ऊपर में चला जाएगा, 3 और नीचे में 5 जो है वो 5 ही रह जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 15 एंड 2/3 डिवाइड 5/9, तो इसको क्या करना है, 15 3 15 30 15 3 45, 45 और 2 47 हो गया, मतलब यहाँ पे इसको जैसे तैसे रखना है, 47/3 और मल्टीप्लाई 9/5, 5/9 दिया हुआ है तो 9/5, तो यहाँ तो देखने से लग नहीं रहा है कि कोई कटने वाला है, ये कटेगा, 3 3 9 हो गया और 47 47 कटने वाला नहीं है, तो 47 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 7 3 7 3 21 का 1 हो गया, 2 बच गया है और 4 3 12 12 और 2 14, इतना 5/5, तो ये बनेगा मिक्स फ्रैक्शन, तो यहाँ पे रफ कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवाइड किया जाता है, तो 5 से 141 को करते हैं डिवाइड, कितने बार में जाएगा, सबसे पहले 2 बार में जाएगा, 5 2 10 यहाँ पे 14 बच गया, कट गया ये नीचे आ गया, तो 5 8 40 और ये 1 ये तो कट गया, इतना ही रहेगा, तो मतलब कितना हो जाएगा इसका, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो जाएगा 28, ऊपर में चला गया 1 और नीचे जो रहता है वही रह जाता है, 28 एंड 1/5 आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 and 5/8 डिवाइड 1, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किया हुआ है, दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले सीधा कर लेते हैं, अदरवाइज गलती होने की संभावना है। और कंसिडर करते हैं 24, 24 और 5 29 हो गया, 29 और 8, इसको जो आएगा उसको उलट देना है, 24 हो गया, 24 1 जा 24 और 5, फिर आ गया 29/24, तो 24 ऊपर चला जाएगा, 24 और नीचे में आ जाएगा 29, तो ये तो कट रहा है, काट देते हैं इसको, 29 1 जा 29 और 8 कैंसिल करते हैं 24, 3 बार में 8 3 जा 24, तो 3 बार में कट रहा है, इसका मतलब सारा कट गया, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं लास्ट नहीं है, ये 14 नंबर है, तो 14 15 नंबर लास्ट है, तो यहाँ पे लेते हैं 14। इसमें दिया हुआ है 8 and 2/3, चलिए आपको क्वेश्चन दिखेगा नहीं, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिवाइड 4 and 1/3 और कंसिडर 24 और 2 26 हो गया, 26/3 डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो गया 12 1 13 13/3, तो 3/13 हो जाएगा, तो 3/13 कट रहा है, इसको इससे काट देते हैं, 3 1 जा 3 और 13 2 26 13 2 जा 26 यहाँ पे 2 बार में कट गया, तो बच्चा क्या 2 only 2 आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर, यहाँ पे लेते हैं 15, इसमें दिया हुआ है 7 and 2/9 डिवाइड 2 and 2/3, क्या हो जाएगा ये 9 7 63 हो गया, 63 64 65 65/9 यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, 6 8 8/3 मतलब 3/8, तो ये क्या कट रहा है, ये कटेगा 3 3 जा 9, 3 बार में कटा, अब 3 यहाँ पे 6 5 11, तो 3 से ये कटने वाला नहीं है, 2 से भी नहीं कटने वाला है, 5 से कटेगा, लेकिन यहाँ नीचे कोई कटने वाला नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 65/24 हो जाएगा, अब ये बनेगा मिक्स फ्रैक्शन, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं, करना पड़ेगा डिवाइड, यहाँ पे देते हैं ये 24 65, तो 24 2 48 उतने बार में जाएगा, 2 48 यहाँ पे 15 हो गया, 8 यहाँ 7 हो गया, और यहाँ पे 5 मतलब 1 17 हो गया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 2 and 17/24, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 37 यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।